इस समय मौजूद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहां पर छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो फीस वृद्धि को लेकर हो रहा है और नई शिक्षा नीति को लेकर हो रहा है। तो आइए यहाँ पे जो छात्र मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि क्या उनकी मांग है। जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जो फीस वृद्धि इन्होंने चोर दरवाज़ा जिसे कह सकते हैं उससे करी है, क्योंकि स्टूडेंट्स का फीस हाइक किया है लेबोरेटरी फीस के नाम पे एमए में। तो एमए में लैब, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट या सोशियोलॉजी का स्टूडेंट, उसको तो लैब की ज़रूरत है नहीं है, तो वो उसकी लैब फीस का क्या ही मतलब है, आप क्यों लैब फीस ले रहे हैं? तो हमारी सबसे पहली मांग ये है कि आपने जो फीस वृद्धि करी है 1,000 रुपये डायरेक्ट बढ़ा दिया है, आप उसको वापस लीजिए। और जो यूनिवर्सिटी एक नए मॉडल, जो कॉरपोरेट मॉडल पे जो बना रही है अपना सब, कि हम इतना स्पेंड करेंगे तो हमें इतना लोन मिल जाएगा, और इसमें जो स्टूडेंट्स है उसको उसकी जेब से पैसा जाएगा ऑब्वियसली। तो हमारी मेन मांग तो यही है कि आप सबसे पहले ये फीस वृद्धि वापस लें, और स्टूडेंट्स को जो अलग अलग तरह से परेशान किया जा रहा है, परेशान करना बंद करें यूनिवर्सिटी। किस तरह से परेशान किया जा रहा है आपको? जैसे अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स का 500 स्टूडेंट्स का बीएससी केमिस्ट्री में बैक आ गई थी, तो ये यूनिवर्सिटी की गलतियां जो तुरंत कर रहा है, ये एनईपी इसने लागू कर दिया है, बट इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मॉडल नहीं है जिस पे ये वर्क करेगा, कुछ भी कर रहा है। और एनईपी के तहत जो फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, उनको वोकेशनल सब्जेक्ट्स में भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, कि आपने इन्होंने चॉइस तो बहुत सारी दे दी पर इनके पास टीचर्स नहीं है उसको पढ़ाने के लिए, और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की जगह स्कॉलर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, क्लासेस नहीं होती हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक ये भी लगा के रखा है कि शिक्षा नीति को लेकर भी जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं और चर्चा नहीं होती। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए में जहां पर कोई प्रयोगशाला नहीं है, कहीं भी लेबोरेटरी के नाम पर आज तक कभी कोई फीस नहीं लिया गया, लेकिन एक हिसाब से किस छात्रों को पता भी ना चले, और जो अमीर परिवार से आते हैं, जो किसी अधिकारी के बेटे हैं, जो किसी बिजनेसमैन के बेटे हैं, वो तो आराम से भर ले रहे हैं, वो क्यों इसका विरोध करेंगे? क्योंकि उनके पिताजी के पास बेशुमार पैसा है। ये ब्यूरोक्रेट्स वाली जो राजनीति हो रही है, और हमारे जैसे किसान से आने वाला परिवार का लड़का जो बाड़े पर तोला करके फीस जमा करता है, आज उसको 1,000 रुपए की कीमत पता है, लेकिन जो बड़े घरों से आते हैं उनको नहीं पता है। हम लोग का धान डूब जाता है, उसमें जो 1,000 रुपए क्विंटल माइनस करके वहां पे बाड़े वाला लेता है, हम किस तरह मैनेज करके अपनी फीस जमा करते हैं, इन्होंने तुरंत उसको 1,000 रुपए बढ़ा दिया। और जब हम साहब के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो यहां पे यह कहा जाता है कि आप नेता बन रहे हैं। अगर छात्रों की बात करना राजनीति है तो हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि हम लोगों को पता ही ना चल पाए और हम लोग चुपचाप इस फीस को भरते रहें, और आने वाले समय में जो गरीब और किसान परिवार का तबका है वो यहाँ पर ना आ पाए, वो इनसे सवाल ना पूछ पाए, वो सरकार से सवाल ना पूछ पाए, वो सिस्टम से सवाल ना पूछ पाए, और इस बात को अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ पर लोग कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। साहब, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो पढ़ने आए थे, लेकिन हमने देखा कि हमारे खिलाफ आप लोग खड़े हैं मजबूती से, तो हम इस गलत सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, और इसको अगर आप राजनीति का रूप देते हैं तो हम जाहिर तौर पर कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, और हम तब तक आज नहीं हटेंगे जब तक 5 बजे तक एलयू की साइड से ये नोटिस नहीं आ जाती कि हम इस 1,000 बढ़ी हुई फीस को अगले सेमेस्टर में कंपनसेट कर देंगे। जैसे कि आपने फीस वृद्धि को लेकर बोला है कि कम कर दी जाए जो बढ़ाई गई है, क्या इससे पहले धरना करने से पहले आपने बात करी अपने टीचर से? बात ये लेबोरेटरी है या नहीं है ये विश्वविद्यालय को स्वयं में पता होना चाहिए। वो असल में हुआ क्या कि खुद ही विश्वविद्यालय प्रशासन से चूक हो गई, उनको 1,000 रुपये बढ़ाना था, लेकिन वो सही ऑप्शन नहीं चुन पाए कि हम किस में बढ़ा दें, तो उन्होंने लेबोरेटरी के नाम पर बढ़ा दिया, उन्होंने प्रयोगशाला के नाम पर बढ़ा दिया। बल्कि एम ए में आई एच में कौन सा प्रयोगशाला होता है, पॉलिटिकल साइंस में कौन सा प्रयोगशाला होता है, समाजशास्त्र में कौन सा प्रयोगशाला होता है? इस बात को अब हर बार, ये जब फीस वृद्धि हो गई तो हर बार 1,000 बढ़ करके जो है छात्र पे करता रहेगा। अब हम ही लोग विरोध करने वाले लोग हैं, हम लोग ना विरोध करते ही अपना आराम से यहीं पे टेंडर सब चालू हो जाता है, लगातार हर स्टूडेंट जो बड़े घर से आता है उसको पढ़ने से नहीं मतलब है, केवल पढ़ाई यही नहीं है कि डेबिट व्हाट कम्स इन ओटू मतलब ऑक्सीजन होगा, आप अपने हक की लड़ाई लड़ पा रहे हैं या नहीं, आप अपने समाज की लड़ाई लड़ पा रहे हैं या नहीं। आने वाले समय में इसी विश्वविद्यालय से कोई बड़ा अधिकारी होगा, कोई बड़ा नेता होगा, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट होगा, आप कहीं भी जाकर के देखिए, अगर हम जमीन के मुद्दों को नहीं उठा सकेंगे तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लड़ नहीं सकते हैं, आप अपने हक के लिए नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब आप सही रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो भी मांगे उसको नहीं पूरी गई तो क्या करेंगे?
करेंगे आप लोग? देखिए, लगातार हम लोग संघर्ष करते आए हैं और आज अगर 5 बजे विश्वविद्यालय के साइट पे पोर्टल पे नहीं पड़ता है कि फीस को वापस नहीं लेंगे, इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन लगातार होते रहेंगे और माननीय कुलपति जी को हमारी बात को मानना ही पड़ेगा, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी बात कहने से पहले 2 लाइनें बोलूंगा कि लू भी चलती थी तो ऐबे सभा कहते थे, पाँव फैलाए अंधेरों को भिदिया कहते थे। आज एक गरीब का लड़का, किसान का लड़का, जब अपने घर से निकल कर अपने सपनों को लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है कि मेरे जो शिक्षा है, मेरे अंदर जो तजुर्बा है, मैंने जो आज तक चीज़ें ग्रहण की हैं उनके दम पर मैं एडमिशन लूँगा, लेकिन जब वो विश्वविद्यालय पहुँचता है तो कम फीस की जगह उसे पता चलता है कि लैब के नाम पर, जो निराधार है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके नाम पर 1000 रुपये फीस बढ़ा दी जाती है। तो इससे पहले, एक दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसके नाम पर हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। आज एक गरीब का छात्र जो कम फीस पे पढ़ना चाहता है, आईएएस पीसीएस यहाँ से निकलकर न जाने कितने अधिकारी निकले हैं, आज एक गरीब का बेटा कैसे यहाँ से पढ़ के जा पाएगा, आप खुद बताइए हम लोग को। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम निखिल है और हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा से हैं। दरअसल ये फी वृद्धि का क्रम अगर आप देखें तो पूरे इंडिया लेवल पे जब से नई शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस किया गया है तब से ये फी वृद्धि का हम क्रम देख रहे हैं। और इलाहाबाद में देखें तो अब 400% का फी हाइक हुआ है। BHU में अगर आप देखें तो वहाँ भी फी बढ़ाई गई है और यहाँ पर भी हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी देख रहे हैं कि NEP जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर 1 साल के बाद आज फी बढ़ा दी गई है। ये पूरा फी बढ़ाने का मॉडल जो है, पढ़ाई को किस तरीके से आप कॉर्पोरेट हाथों में बेच दें, इससे पहले हमने देखा कि खेती को बेचने का एक कोशिश किया जा रहा था कॉर्पोरेट हाथों में, अब वो खेती से निकल के शिक्षा में भी एक दखल अंदाजी है कि पूरा शिक्षा का मॉडल को आप कैसे कॉर्पोरेट हाथों में बेच दें। बात हो रही है कि इंडिया में हार्वर्ड आएगा, आपको हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है, भारत में हम हार्वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बात भारत की हकीकत है कि कौन वो लोग हैं जो हार्वर्ड में पढ़ सकते हैं, 50 लाख रुपये फीस आखिर कौन दे सकता है। उसी तरह प्राइवेट जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, जो UGC से जहाँ हमारे पास पैसा आता था, UGC जो पूरे विश्वविद्यालय को चलाती थी, अब UGC को हटा दिया जा रहा है, उसके पैरेलल हेफा लाया जा रहा है। तो हेफा अपने आप में एक ऐसा बॉडी है जहाँ से आप लोन का लेन देन विश्वविद्यालय करेगी और जब एक बार लोन ले लिया जाएगा, जैसे कि BHU JNU DU ये लोग ने 500 करोड़ रुपये लोन लिए हैं, अब जैसे ये विश्वविद्यालय लोन उठाएगा आप देखेंगे कि हर एक चीज़ में फी हाइक हो जाएगा। अभी तो 1000 ये लेबोरेटरी में दिखा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नाम पर वो फी हाइक हो जाएगा और लास्ट में आम छात्र के जेब से वो जो लोन लिया गया उसका पैसा पे करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको आज ही चिन्हित किया और आज से ही हम इसके विरोध में बैठे हैं। अगर ये नहीं माना जाएगा तो हम आमरण अनशन पे भी बैठने को तैयार हैं, क्योंकि ये मॉडल इलाहाबाद से निकला है कि वहाँ लोग छात्र आमरण अनशन पे बैठे हैं। IIT जैसे संस्थान में फी हाइक हुई और छात्रों ने लड़ के फी को कम कराया, क्योंकि ये सारे संस्थान ऐसे संस्थान हैं जहाँ गरीब घर के निकले हुए लोग पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में हम LU में भी अगर फी हाइक को वापस नहीं होता है तो हर पॉसिबल तरह से अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज कराएंगे। आगे क्या मतलब, अगर जो बात आप बोल रहे हैं कि अगर नहीं होता है, अगर लोग ये नहीं करते हैं तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अगर आज हमारी बात विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुनता है और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अड़ा रहता है तो इसके बाद हम यहाँ से डेली एक आमरण अनशन का भी आह्वान देंगे। संयुक्त छात्र समिति यहाँ बैठी, हम लोग आपस में बैठेंगे और निर्णय करेंगे कि इसके बाद आगे इस मूवमेंट को, इस पूरे प्रोटेस्ट को कैसे लेके जाना है। और हम लोग तब तक अपनी बात को लेकर अटल रहेंगे जब तक 1000 रुपये फी हटाया नहीं जाता और कंपनसेशन 1000 रुपये का अगले सेमेस्टर में छात्रों को नहीं दिया जाता। कितने टोटल आपके छात्र साथ हैं? पूरे विश्वविद्यालय से अगर आप देखें तो अभी अलग अलग छात्र संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत PG के कोर्सेज में अभी हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जैसे हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है बड़ी तादाद में यहाँ पे छात्र आपको एक प्रोटेस्ट में दिखेंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में कोई बड़े घर से लोग नहीं आते पढ़ने। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, लखनऊ के जो छोटे छोटे जगह, चाहे वो सीतापुर हो, हरदोई हो, वहाँ से छात्र ट्रैवल करके आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, ये सारे छात्र हमारे साथ हैं। ये तो हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है कि जो लेबोरेटरी फीस बढ़ाई गई उसको कम करी जाए और शिक्षा नीति में जो प्रणाली में परिवर्तन किया गया उसको भी कम किया जाए, उसको भी खत्म किया जाए। और अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो आगे आमरण अनशन भी कर सकते हैं और अगर उनकी मांगों को अगर नहीं कम किया जाता है तो और भी वो प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।